दरभंगा राष्ट्रीय एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के अनिश्चितकालीन धरना का आज आठवां दिन भी जारी रहा। हड़ताल इसलिए जारी रहा क्योंकि इन लोगों की मांग अब तक पूरी नहीं की गई है। हालांकि इस मौके पर दरभंगा जिला सिविल सर्जन से बात हुई और उन्होंने इन सब के मांग को पूरा करने और इन्हें न्याय दिलवाने की बातें कही हैं। वीडियो में बने रहे अंत तक और देखिए क्या सब बात हुई डॉक्टर अनिल कुमार सिविल सर्जन दरभंगा से। आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। लंबित वेतन है, वेतन क्यों आप दिलवाइए और जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है इस स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल करिए। आप सिविल सर्जन से आश्वासन मिला है कि कल तक वो कंपनी के एजेंसी के लोगों को बुलाएंगे, वार्ता की वो पहल करेंगे और सम्मानजनक जब समझौता होगा, बातें होंगी तो हम आंदोलन को स्थगित करेंगे। जायज डिमांड था, हम लोग सम्मान फाउंडेशन जो NGO है उसको हम लोग भेज रहे हैं और अविलंब जो भी लोग से सम्मानजनक समझौता करके एम्बुलेंस को चालू करने के लिए वो हम लोग से रिक्वेस्ट किए जल्दी से जल्दी चालू कराइए। क्या जाए क्या वार्ता की वो लोग मांग कर रहे हैं एजेंसी से, हम लोग बात कर रहे हैं उनसे, उनको कहते हैं कि आ करके यहाँ आ करके विपक्षीय बात कीजिए तभी लोग हड़ताल तोड़ेंगे। सिर्फ पिछले 8 दिनों से हड़ताल पड़े, वैसे भी बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत स्थिति खराब है, अभी क्या स्थिति पैदा हो रही है उनके कारण? हमारे सभी PHC में अल्टरनेटिव व्यवस्था किया हुआ है, अरेंजमेंट किया हुआ है, प्राइवेट से एम्बुलेंस गाड़ी है सभी जगह। एम्बुलेंस हड़ताल होने से कोई व्यवस्था नहीं चरमरा रही है? निश्चित तौर मरा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत है, लेकिन हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एम्बुलेंस चला रहे हैं। सर कहा यह भी जाता है कि एक दिन के लिए यदि बिहार हड़ताल होता है तो व्यवस्था चरमरा जाती है, 8 दिनों से आपातकालीन सेवा हड़ताल पर है और इसकी सुधि जो कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी है वो नहीं ले रहा, तो कहीं ना कहीं ये तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बार बार लिख रहे हैं, विभाग को भी लिखे हैं, हम लोग ED सर को भी लिखे हैं कि हम लोग का हड़ताल है, चल रहा है, हो नहीं रहा है, तो वो वहाँ हम लोग सूचना दे दिए हैं, जैसे हो जो पक्षीय वार्ता हो जैसे हो ये लोग छोड़ेंगे। हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हमारे यहाँ सभी PSC में एम्बुलेंस चल रहा है। अगर सर कुछ हादसा हो जाता है, अगर भगवान न करे यदि कोई मृत्यु हो जाती है, जिम्मेवार कौन होगा? सम्मान फाउंडेशन। सम्मान फाउंडेशन जो NGO है वही NGO जिम्मेवार, उन पर FIR वगैरह होगी। अभी क्या लग रहा है, कब तक ये हड़ताल टूट जाएगा? लगता है कि आज टूट ना जाए, आज से कल तक में टूट जाएगा हर हालत। आप इसकी मध्यस्थता करने जा रहे हैं? जी जी। अपना परिचय? डॉक्टर अनिल कुमार सिविल सर्जन। आज राष्ट्रीय एम्बुलेंस कर्मी संघ संबंध 1-2 के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन हड़ताल का 8वां दिन है। 8वां दिन के अवसर पर हम लोगों ने अपने पहल पर दरभंगा के सिविल सर्जन महोदय सह जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव से वार्ता के लिए गए थे। हम लोगों ने अपील उनसे किया है कि आप अपनी मध्यस्थता में वार्ता कर जो लंबित वेतन है वेतन क्यों आप दिलवाइए और जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है इस स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल करिए। आप सिविल सर्जन साहब ने भागते हुए कहा कि एजेंसी इसके जिम्मेवार है, लेकिन सरकार को ठेका, एजेंसी को ठेका सरकार देती है, लेकिन सरकार को भागने से काम नहीं चलेगा। दरभंगा जिला के जो सरकार हैं बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के सिविल सर्जन साहब को मैं कहना चाहता हूं कि आपको भागने से काम नहीं चलेगा, आपको जवाबदेही लेना पड़ेगा और जो लंबित मांगे हैं, जो जैनून मांग है, अपने मेहनत की कमाई जो हमारे बच्चे के लिए निवाला बन सकता है, उस निवाला को लेने के लिए हम आपसे अपील किए हैं सिविल सर्जन साहब का। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके सबसे पहले। आपको रख सके हम सबसे अपडेट।